The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। और दोस्तों ये जो आज का टॉपिक है, आज है टॉपिक इंटरल्यूकिन 6 IL-6। ये एक बहुत ज़रूरी टेस्ट भी है और ये एक बहुत ज़रूरी आपके शरीर के अंदर पैदा होने वाला एक एंजाइम है, एक ऐसा अर्क है जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी भी है। तो इसके बारे में आज जानेंगे कि ये क्या है, इसका टेस्ट कब करना होता है, इसके टेस्ट में गड़बड़ी आने का मतलब क्या होता है, और इसमें टेस्ट में गड़बड़ी आती है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, और क्या ये डरने की बात है, क्या ये डरने की बात नहीं है। ये सारी बातें आज आपकी क्लियर करी जाएगी, आपका सारा भेदभाव, सारा टेंशन ख़त्म किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं शॉर्ट में और विस्तार में कि ये क्या है और कैसा है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि IL-6 क्या है। IL-6 आपके शरीर में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इम्यून सिस्टम में। इननेट और अडैप्टिव दोनों ही इम्यून सिस्टम में वो रोल प्ले करता है, और ये एक तरीके से एक औजार मान लीजिए, तलवार मान लीजिए, बंदूक मान लीजिए, आपके वेपन्स हैं जो आपके शरीर के सेल्स निकालते हैं कि भाई कौन आया, समथिंग लाइक दैट। सो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आपके बनाते हैं। कौन बनाएगा? ऑब्वियसली आपके जो फाइटिंग सेल्स हैं, आपके जो इम्यून सेल्स हैं, वही निकालेंगे। कौन कौन से सेल निकालते हैं? आपके मैक्रोफेजेस निकालते हैं, जो दूसरी आने वाली चीज़ों खा जाते हैं, और एंडोथीलियल सेल्स भी निकालते हैं। एंडोथीलियल सेल्स कौन से हैं? जिस कवरिंग वाले, जो कवर करते हैं आपके टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, और टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स भी निकालते हैं। सो ये जो हैं IL-6 बनाते हैं। ये प्रोडक्शन जो है ये चालू ही होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर आता है, या फिर कोई और साइटोकाइंस आते हैं। साइटोकाइंस ऐसे ही एंजाइम्स हैं जो दूसरे चीज़ें सिक्रीट करती हैं। वो आता है तो ये आता है। साइटोकाइंस है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब फेंको, तलवार निकालो, बंदूकें निकालो, तैयार सावधान ठाठा ऐसा मतलब। और जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इननेट इम्यूनिटी का कोई है, राइट? सो ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब IL-6 क्या करेगा? IL-6 में अच्छा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसको समझते हैं। इंटरल्यूकिन 6 जो है आपके इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। उसके इननेट इम्यूनिटी के हिसाब से, मतलब बचपन से आपके अंदर जो इम्यूनिटी है, उसका मतलब यह है, जो बेसिक काम है IL-6 का, वन ऑफ द बेसिक काम यह है कि वो आपके लिवर के सेल्स, हेपेटोसाइट्स पे आपको एक्ट करेगा उसके ऊपर, और वहाँ पर CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन का एक्सप्रेशन यानी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाएगा, साथ में क्या बढ़ा देगा? फाइब्रिनोजन और सीरम अमाइलॉइड ए। ये क्या है? ये एक्यूट फेज रिस्पॉन्स है आपके बॉडी का किसी आने वाले खतरनाक चीजों का, राइट? सो ये एडेप्टिव, ये जो है इननेट इम्यूनिटी, ये करेगा, एक्यूट फेस रिस्पॉन्स है, और ये क्या करते हैं? ये फाइट करने में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं। तो ये बड़े हुए भी आते हैं, इसलिए जब भी इन्फेक्शन होता है, कोरोना होता है, तो CRP बड़ा हुआ आता है, और अपना IL-6 बड़ा हुआ आता है। जितना ज़्यादा इंजेक्शन, जितना ज़्यादा बड़ा, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन। सो ये एक इननेट पार्ट हो गया। फिर बार बार ऐसे इन्फेक्शन होने से क्या होता है? IL-6 एक अडैप्ट कर लेती है, अडैप्टिव रिस्पॉन्स देता है, और वहाँ पर आपके जो एंटीबॉडीज बनाने वाले सेल्स हैं, बी सेल्स, वो उसको प्रोलिफ्लेट भी करता है। इन्हें सेकेंड टाइम अगर आपको कोरोना होगा, तो पहले टाइम पे जो बी सेल ने एंटीबॉडी बना के वायरस को मार दिया था, उस बी सेल को ये IL-6 सेकेंड टाइम पर जल्दी पैदा करने के लिए रिस्पॉन्स देगा। सो यहाँ पर कुछ हद से अच्छे भी हैं इननेट इम्यूनिटी के लिए और अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए, बी सेल प्रोलिफरेशन के लिए, और बी सेल प्रोलिफरेट होंगे तो एंटीबॉडी ज़्यादा बनेंगे, तो आपकी बॉडी जो है वायरस को जल्दी मार देगी। मगर अब आते हैं
मतलब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हर पेशेंट जो इन्फेक्शन में है, जो सेप्सिस में है, जिसके बैक जिसका शरीर में बैक्टीरिया वायरस फैला हुआ है, उनके अंदर IL-6 बढ़ा हुआ आएगा, तो आएगा। सो IL-6 के कॉन्सेंट्रेशन को सिवियरिटी ऑफ डिजीज से भी नापा जा सकता है, माना जा सकता है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि ये पूरे बॉडी में फैले हुए इन्फेक्शन से ही आएगा, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, मान लो एक जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया, सिर्फ एक जॉइंट डलाला था, प्रोस्थेटिक जॉइंट या एक जॉइंट है, बस वो जॉइंट में इन्फेक्शन, कहीं कहीं पस बनी है, तो भी IL-6 बढ़ा हुआ आएगा, राइट। और एक मेटा एनालिटिक स्टडी हुई थी जिसमें यह देखा गया कि IL-6 जो है उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा है एस ये प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन, एक पर्टिकुलर जॉइंट के इन्फेक्शन के लिए, एज कंपेयर टू CRP, ESR या WBC का। मतलब IL-6 बढ़ा हुआ है मतलब इन्फेक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो और ये है, और बाकी ऐसी कई सारी क्रोनिक बीमारियां भी है जिसमें IL-6 बढ़ा हुआ आएगा, जैसे कि आपका एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, अपना सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इनमें भी बढ़ा हुआ आएगा। लेकिन इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि ये बीमारी के पैथोजेनेसिस में भी काम करता है, मतलब ज़्यादा IL-6 हो जाए तो ये टिश्यूज को, आपके शरीर के टिश्यूज को भी डैमेज करने लगता है, ये एक खतरनाक एंजाइम है। तो ये ज़्यादा IL-6 हो जाएगा वहाँ एरिया में, तो आर्थराइटिस में है भी पैथोजेनेसिस करता है, जॉइंट खराब करेगा, पेट में हो जाए इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन, छाले अल्सर्स करेगा, और ये ऐसी ही स्किन पे सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। तो इसको अगर बढ़ जाता है तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसको कम करने के लिए इसके खिलाफ भी दवा आती है, इसको दवा जो दी जाती है अस्पतालों में आज भी दी जा रही है वो इंजेक्शंस के तौर पे आती है, महंगा इंजेक्शन होता है कोरोना के केसेस में, या ऐसे पेशेंट जिनका IL-6 लेवल बहुत हाई है, वो IL-6 इनिबिटर बोलते हैं, IL-6 इनिबिटर दवाई है, वो क्या है, वो है टोसिलीजुमैब, एक एंटीबॉडी है जो ब्लॉक कर देता है IL-6 का फंक्शन। क्या करता है टोसिलीजुमैब, जहां IL-6 ने जाके, जिस जगह जाके रिसेप्टर पे बाइंड होना था, एक्शन करना था, वहां पर टोसिलीजुमैब जाके बाइंड कर देता है, तो घर के दरवाजे बंद कर देता है। IL-6 भाई साहब बोलता मैं क्या करूं, वो घूमता रहता है IL-6। सो ये टोसिलीजुमैब अप्रूव्ड है, ऐसे IL-6 अगर ज्यादा होता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल करने के लिए, कोरोना में भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। 50-60% पेशेंट्स जिसको ये मिलता है, उसके साथ में दूसरे भी कई सारी दवाइयां हैं, वो इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं टोसिलीजुमैब से रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और अगर हम बोलें कि 50-60% केसेस जिनको, क्योंकि रूमेटिक आर्थराइटिस में एक मेथोट्रेक्सेट करके दवा दी जाती है, तो मेथोट्रेक्सेट प्लस टोसिलीजुमैब देते हैं तो 50-60% केसेस में रिलीफ मिल जाता है, और केवल मेथोट्रेक्सेट देते हैं तो केवल 25% केसेस में रिलीफ मिलता है, तो बहुत बड़ा नंबर। तो इसीलिए IL-6 की जानकारी होना जरूरी है, IL-6 का नंबर देखना जरूरी है, उसके लिए टेस्ट होता है। IL-6 का जब आप ब्लड टेस्ट करवाओगे, आपके ब्लड में इंटरल्यूकिन 6 कितना है, तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए लेस देन, कम या किससे कम, 1.8 pg पर ml, पिकोग्राम पर ml से कम। अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, कहीं कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है, लोकलाइज इन्फेक्शन हो सकता है, कोई क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है। अगर ये कम है तो कम तो रह गए, कम तो कोई दिक्कत, कम तो रह गई, ठीक है। सो ऐसे कोई पेशेंट जिसमें सस्पेक्ट कर रहे हैं हम खतरनाक इन्फेक्शन, IL-6, CRP, ESR ये सारे किए जाते हैं। एक और चीज़ समझने वाली है कि एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है जो किसी भी इन्फ्लामेशन में बढ़ जाएगा, तो इसको एक ही इन्फेक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इसीलिए इस तरीके के टेस्ट को, CRP हो, ESR हो, IL-6 हो, इसको क्लिनिकल पिक्चर के साथ कंपेयर किया जाता है पेशेंट की, कि हाँ भाई ये पेशेंट को ऐसा ये सारा मिला के देखें तो ये बीमारी लग रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर नॉर्मल IL-6 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये भी हो सकता है कि नॉर्मल है लेकिन फिर भी इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, हो सकता है आपके शरीर की वो बनाने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, या वो बनाने वाले जो सेल्स हैं, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस और दूसरे सेल्स, वो कम हो गए, ये भी हो सकता है कि बना ही नहीं पा रहे,
इन्फ्लामेशन ही नहीं कर पा रहे दैट इस तरीके से. प्लस IL-6 में स्टेबिलिटी कम है. सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में इसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट में इंपॉर्टेंट है कि समझना, जब ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसमें प्लाज्मा आ जाता है, प्लाज्मा निकाला जाता है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है सेल्स निकाल के उसको इमीडिएटली आपको या तो फ्रोजन फ्रीज करना होता है या रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, तब जाके वो आप 24 घंटे तक, सिर्फ 24 घंटे तक स्टोर कर सकते हो. उसके बाद रेफ्रिजरेट करें तो 24 घंटे के बाद के अंदर अंदर स्टोर फ्रोजन फ्रीज करना पड़ेगा और फिर उसको आप टेस्ट कर सकते हो. अगर आप इमीडिएटली टेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये IL-6 के टेस्ट और इसका इम्पोर्टेंस आपको समझना. IL-6 एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो टेस्ट आपको पता होना चाहिए. तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें दबा के, और ऐसे ही वीडियोज़ और ऐसे ही नॉलेजेबल चीज़ें देखने के लिए दिस इज़ डॉक्टर एजुकेशन. इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कीप स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.